हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये थे हाफिज उकारी मोहम्मद उमर अशरफ निजामी। तिलावती कलामुल्लाह से सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मजल्ला फरमा रहे थे, महफिल पाक का आगाज फरमा रहे थे। जैसा कि आप लोगों को इश्तिहार के जरिए जो खबर पहुंचाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का वो अजीम नातख्वां जो आलमगीर शोहरत याफ्ता नातख्वां है, अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या प्राप्त कवि मोहतरम असद इकबाल साहब कलकत्तवी की तशरीफ आवरी हो चुकी है। उन्हीं के साथ तूतिये बागे चमनिस्ताने रजा, शहनशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान मोहतरम फरहान बरकाती दहलवी की भी तशरीफ आवरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा है, और सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि उसका नाम बदला गया था। उस बदले हुए नाम से एक नया नाम उभरता हुआ जो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इलाहाबाद की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे उर्दू अदब के शोरा महताब दानिश इलाहाबादी के नाम से जानते हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में अपने पेरिकाट की शिनाख्त और पहचान बनाने के बाद उर्दू अदब की दुनिया में भी अपना लोहा मनवाने वाली हमारी एक ऐसी मुनफरिद शख्सियत है जिसे पूरी दुनिया टांडा के नाम से जानती है। वो टांडा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला शायर मोहतरम हिलाल टांडवी साहब इस वक्त मिंबरे नूर पर तशरीफ रखते हैं। हमारे मकामी नातख्वां हजरात मोहतरम शफीउल मुजनबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन शमसुद्दोहा बदरुद्दोजा सदरुल वरा नूरुल हुदा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, पुल सिरात पर काम आने वाले, मीजान पर काम आने वाले, हौज कौसर का जाम पिलाने वाले, शफाअत अहल कबाइद का नगमाए जाफिजा सुनाने वाले, रूही फिदा हो जनाब उम्मी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालेही वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में जिस तरीके से आप नबी से इश्क करते हैं उसी अंदाज में पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैक वसल्लम बलग अल उला बिकमालही कशफत दुजा बिजमालही हसनत जमीओ खिसालही सल्लू अलैहि व आलिही या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजह कल मुनीर लकद नवर अल कमर ला यमकिनु सनाओ कमा काना हक्कहू बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहर हम्मिम मुग्रकुन खुज़ यदी साहिल लना अश्का लना 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 सुन्नियम मन नारे अल्लाहु अकबर मी सनम दम जबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी सनम गौसुल आजम बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगर दाबे बला उस्तादा कश्ती जईफाने शिकस्ता राज पस्ती बहकते 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 ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती या शाहजी मोहम्मद शेर इज्जतो आकिबत बखेर दुश्मन जेर जेर जेर। हजरत अब यहाँ से आइए, हम ये चाहते हैं कि जब तक आप यहाँ रहें मुकम्मल बेदार रहें।
नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालेही वसल्लम पढ़ने के लिए नातख्वा शोरा हजरात तशरीफ लाएंगे, मिंबरे नूर पर वो तशरीफ लाएंगे, माइक के जरिए वो आपसे रूबरू होंगे। मगर आज आप हजरात अपने अकबरपुर की आबरू बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करने के लिए इस अंदाज में तादो तहसीन से नवाज दीजिए कि हमारी हमारी जमात का वो अजीम शायर जिसे हम असद इकबाल के नाम से कहते पुकारते हैं, जब वो हिंदुस्तान के बाहर का सफर करे तो यही कहता हुआ नजर आए कि अगर दुनिया में किसी खित्ते में बेदार मजमा मिलता है तो वो अकबरपुर की सरजमीन पर मिलता है। शेरो सुखन जिस अंदाज में सुना जाता है, अकबरपुर का जो तारीफ रहा है, अकबरपुर की जो तारीफ रही है, उसी तारीफ के एतबार से आप आने वाले नातख्वा और शोरा हजरात की हौसला अफजाई करते रहिएगा। हजरात वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और आप हजरात को मैं एक चीज और बताता चलूं कि गाजी फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम को कराने के लिए तकरीबन दो महीने से दिन और रात एक कर दिया है। उसके बाद जा करके कहीं इतना अजीम शान प्रोग्राम, इतना अजीम शान डेकोरेशन, इतना अजीम शान स्टेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारी जमात का एक उभरता हुआ नाम जिसे हम और आप मोहतरम मुजीब जमाली अकबरपुरी के शहजादपुरी के नाम से जानते हैं, मैं उनको सिर्फ इस शेर के साथ जहमत कलाम देने जा रहा हूँ कि नाते महबूबे दावर सनद हो गई। थोड़ा सा नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्दे इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। जो हजरात कुर्सी पे बैठे हैं वो हजरात थोड़ा सा अपनी बेदारी का सबूत दे दे और हाथ को उठा के ये बता दे कि आप मुकम्मल बेदार हैं और आप सुनना चाह रहे हैं कि नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्दे इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोशे रहमत में है। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। आइए अपने खैर मकदम कीजिए अपने हर दिल अजीज नातख्वा अजीजम मोहम्मद मुजीब जमाली शहजादपुरी माइक पर तशरीफ। यूं तो दुनिया में यूं तो दुनिया में तुम्हें क्या क्या नजर आता है, यूं तो दुनिया में तुम्हें क्या क्या नजर आता है, यूं तो दुनिया में तुम्हें क्या क्या नजर आता है, क्यों तो दुनिया क्या नजर आता है, क्या कोई मेरे नबी जैसा नजर आता है। सुभान अल्लाह जैसा नजर आता है, क्या कोई मेरे नबी जैसा नजर आता है। और ये भी शेर जाकर मोहब्बतों के साथ कि भूल जाती है घर भूल जाती है घर एक आंख पलक झपकाना। हाय 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 दोस्तों थोड़ा सा आप हजरात बेदार हो जाएं, अभी से अगर ये मामला रहेगा तो घर एक आंख पलक झपकाना। भूल जाती है घर एक आंख पलक झपकाना के भूल जाती है।
जाती है घर आँख पलक झपो काना मेरे से कार का मेरे से कार का मेरे से कार का जब रोजा नजर आता नारे तकबीर। दोस्तों इस हिसाब से अगर आप हजरात जवाब देंगे तो मुझे लग रहा है कि मुजीब जमाली के बाद सलाम पढ़ना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हिसाब होना चाहिए नारे का जवाब देने का उसी अंदाज में जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात थोड़ा सा खामोश रहें, मैं उनका समर्थन चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं तो दुनिया में तुम्हें क्या क्या नजर आता है, क्या कोई मेरे नबी जैसा नजर आता है। और कुछ लोग माशाल्लाह कहते हैं नबी हमारी तरह बशर है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुलायजा करने देखिएगा। किन नूर मत मान मगर इतना बता तो नजदी, नूर मत मान मगर इतना बता तो नजदी, किन नूर मत मान मगर इतना बता तो नजदी, क्या मोहम्मद का, क्या मोहम्मद का, क्या मोहम्मद का तुझे साया नजर आता है, क्या मोहम्मद का तुझे साया नजर आता है। यो तो दुनिया में तुम्हें क्या क्या नजर आता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।